नमस्ते, जय हिंद, जय भारत। साथियों, आप सबको बधाई, ज्ञानवापी में बाबा मिल गए, बाबा की खोज हुई और बाबा अपने आप आ गए। बहुत प्रयास नहीं करना पड़ा और बाबा ने खुद ही बताया मैं कहां पे हूं। लेकिन जरा आप उस जाहिल मानसिकता को देखिए, जहां पे हाथ पैर धोया जाता है जिस पानी से, जिस पानी में कुल्ला किया जाता है, बाबा को वहां दबा के रखा गया था। कैसी घटिया मानसिकता है। और उसके बावजूद सेकुलर लिबरल गैंग एक कानून की दुहाई दे रहा है, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, पूजा स्थल कानून। मेरे हाथ में यह पूजा स्थल कानून है, इसी कानून की दुहाई ओएसी भी दे रहे हैं, चिदंबरम भी दे रहे हैं, बाकी सारे नेता दे रहे हैं। ये तीन पन्ने का कानून है, आपके हाथ में दिख रहा होगा, 1, 2 और 3, तीन पन्ने का कानून है। कुल इसमें 8 धाराएं हैं। 1991 में इसको बनाया था कांग्रेस की सरकार ने, नरसिम्हा राव से प्राइम मिनिस्टर थे। ये कानून ये कहता है कि 15 अगस्त 1947 को, यानी जिस दिन देश आजाद हुआ, उस दिन जो धार्मिक स्थान थे उनका जो स्वरूप था वो कायम रहेगा, वो यथावत रहेगा। और अगर उसके खिलाफ स्थिति को बदलने के लिए कोई मुकदमा गया होगा तो वो खत्म हो जाएगा। तो सबसे पहले तो जैसा इसका नाम है पूजा स्थल कानून, तो पूजा स्थल कहते किसको, इसको समझते हैं। पूजा स्थल उसको कहते हैं, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट उसको कहते हैं, प्लेसेस ऑफ वर्शिप उसको कहते हैं जो विधि विधान के अनुसार बनाया गया हो। इसको बहुत ध्यान से समझिए, पूजा स्थल उसको कहते हैं, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, प्लेसेस ऑफ वर्शिप उसको कहते हैं जो विधि विधान के अनुसार, नियम के अनुसार बनाया गया हो। यानी अगर वो मंदिर है तो पूजा स्थल तब कहलाएगा जब वो हिंदू नियम के अनुसार बनाया गया हो। अगर वो मस्जिद है तो पूजा स्थल तब कहलाएगा जब वो इस्लामिक लॉ के अनुसार बनाया गया हो। अगर वो बौद्ध का स्तूप है तो वो पूजा प्लेसेस ऑफ वर्शिप तब कहलाएगा जो बौद्ध के नियम का नियम है उनके अनुसार बनाया हो। अगर वो जैन मंदिर है या गुरुद्वारा है तो प्लेसेस ऑफ वर्शिप तब कहलाएगा जब वो सिख नियम के अनुसार या जैन नियम के अनुसार बनाया गया हो। तो बात करते हैं अब ज्ञानवापी की, कि क्या ज्ञानवापी एक पूजा स्थल है, मस्जिद है, जैसा मुस्लिम पक्ष का कहना है। पहले उन्हीं की बात कर लेते हैं। तो अगर वो मस्जिद है जैसा वो कह रहे हैं तो उनको सिद्ध करना पड़ेगा कि ये इस्लामिक लॉ के अनुसार बना है। इस्लामिक लॉ क्या कहता है? इस्लामिक लॉ ये कहता है कि किसी भी दूसरे के धार्मिक स्थान पर मस्जिद नहीं बनाई जा सकती। ये पहला इस्लामिक लॉ है, ये जजमेंट है, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, हाई कोर्ट का जजमेंट है कि किसी दूसरे के धार्मिक स्थान पर आप मस्जिद नहीं बना सकते। अगर आप उसको मस्जिद बनाएंगे तो उसको मस्जिद नहीं माना जा सकता, यानी वो प्लेसेज ऑफ वर्शिप हुआ ही नहीं। हिंदू लॉ क्या कहता है? एक बार मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा हो गई, ध्यान से समझिए, ढांचा बना कि नहीं बना, नींव खुदी कि नहीं खुदी, मंदिर की, मंदिर का स्ट्रक्चर बने या ना बने, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। किसी स्थान पर एक बार मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा हो गई, वो हनुमान जी की प्राण प्रतिष्ठा हो जाए, शंकर जी की हो, देवी जी की हो, किस विष्णु जी की हो, भगवान राम की हो, भगवान कृष्ण की हो, किसी की भी हो, हिंदू लॉ के अनुसार, और जजमेंट है इसके ऊपर हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट के, एक बार वहां पे अगर मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा हो गई तो वो तब तक मंदिर ही कहलाएगा जब तक कि वापस वहां विसर्जन की क्रिया नहीं होगी। इसको एग्जांपल से समझते हैं। जैसे हम लोग गणेश पूजा, गणेश का पंडाल बनाते हैं तो क्या करते हैं, एक बार वहां पे प्राण प्रतिष्ठा करते हैं, 1 हफ्ते 4 दिन या जितने दिन के लिए पंडाल बनाया जाता है या देवी जी का पंडाल बनाया जाता है, तो पहले वहां पे नवरात्रों में प्राण प्रतिष्ठा होती है मूर्ति की। और उसके बाद क्या करते हैं,
ऐसे ऐसे मूर्ति नहीं उठा लेते। फिर वहां पे विसर्जन की एक पूजा होती है, तो मंदिर का जो स्वरूप है वो तब बदलता है जब वहां पे विसर्जन की पूजा हो, और वहां से विसर्जन के बाद मूर्ति को हटाया जाए, तभी वहां की धार्मिक मान्यता खत्म होती है, उसके पहले नहीं खत्म होती। तो ज्ञानवापी, जो नाम से ही ज्ञान का भंडार, ज्ञानवापी शब्द कभी कोई उर्दू शब्द है नहीं, फारसी शब्द है नहीं, तो इसलिए वो मतलब वो तो चेंज ही नहीं हो सकता। तो ज्ञानवापी जहां पे की प्राण प्रतिष्ठा हुई महादेव की, भोलेनाथ की, उसके बाद वहां उनको विसर्जित तो किया नहीं गया। अब जब विसर्जित नहीं किया, आप वहां गुंबद बदल दीजिए, दीवार तोड़ दीजिए, नींव की एक एक ईंट उखाड़ दीजिए, लेकिन वो मंदिर ही कहलाएगा। क्यों? क्योंकि वहां पे विसर्जन की पूजा नहीं हुई, प्राण प्रतिष्ठा हुई। जब तक वहां से विसर्जन की पूजा नहीं होगी विधि विधान के अनुसार, हिंदू रीति के अनुसार, तब तक वो मंदिर ही कहलाएगा। इस्लामिक लॉ क्या कहता है? आप वहीं पे मस्जिद बना सकते हैं जो वर्जिन हो, यानी वहां पे और कोई निर्माण ना हो, और वो जमीन खरीदी गई हो पैसे से, मुफ्त में भी नहीं, फ्री में भी नहीं। ये इस्लामिक लॉ कहता है। सड़क पे नमाज होती है तो क्या वो मस्जिद हो जाती है? रेलवे स्टेशन पे नमाज पढ़ी जाती है तो क्या वो जो प्लेटफॉर्म है वो मस्जिद बन जाता है? नहीं। आपके एयरपोर्ट पर नमाज पढ़ी जाती है तो क्या एयरपोर्ट मस्जिद बन जाता है? नहीं। तो ये दो अंतर हमें समझना पड़ेगा। मंदिर तब तक मंदिर है जब तक वहां मूर्ति का विसर्जन न हो, और मस्जिद नमाज पढ़ने से कोई स्थान मस्जिद नहीं हो जाता, ये हमें समझना पड़ेगा। फिर आती है बात एक कानून की, जो 1991 का कानून है, जिसे घटिया कानून मैं कहता हूं, बहुत घटिया कानून है ये कानून। मैंने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया है। तो पहली बात तो आपको मैंने मंदिर और मस्जिद का जो हिंदू लॉ बता दिया, इस्लामिक लॉ, अब आते हैं इस कानून की बात। ये कानून महाघटिया क्यों है इसको समझिए। ये कानून ये कहता है कि जो मुकदमे चल रहे होंगे वो भी स्वतः खत्म हो जाएंगे। इसका मतलब ये कानून कोर्ट का दरवाजा बंद करता है, और जुडिशियल रिव्यू बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर है जुडिशियल रिव्यू, क्योंकि अगर हमारे देश में किसी विवाद का समाधान कोर्ट के जरिए नहीं होगा, फिर तो यहां भीड़तंत्र हावी हो जाएगा। अगर कोर्ट का दरवाजा बंद हो गया, कोर्ट के जरिए किसी विवाद का समाधान नहीं होगा, फिर तो यहां भीड़तंत्र होगा, मतलब जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, जो ज्यादा संख्या में है लाठी डंडा लेके पहुंचेंगे और किसी स्थान पर कब्जा कर लेंगे, ये बोलेंगे हमारा है, कोर्ट तो जा ही नहीं सकते कोई। तो ये पहली बात, बेसिक शुरुआत से ये कानून घटिया है, क्योंकि ये कोर्ट का दरवाजा बंद कर रहा है। दूसरा, ये कानून बनाने की पावर पार्लियामेंट के पास है नहीं, ये बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं आपको। ये कानून बनाया गया ये कह के इससे हम पब्लिक ऑर्डर मेंटेन करेंगे, अगर ये कानून नहीं बना तो पब्लिक ऑर्डर डिस्टर्ब हो जाएगा, इसलिए पब्लिक ऑर्डर मेंटेन करने के लिए हम कानून बना रहे हैं। तो पब्लिक ऑर्डर सेंटर का सब्जेक्ट नहीं, स्टेट सब्जेक्ट है। पहली चीज, पब्लिक ऑर्डर संविधान में हमारे काम का बंटवारा है, एक यूनियन लिस्ट है कि इस विषय पे केंद्र कानून बना सकता है, कि स्टेट लिस्ट है कि भाई इन इन विषयों पे राज्य कानून बना सकता है, एक तीसरी कॉन्करेंट लिस्ट है कि भाई जो उसमें लिस्ट मैटर दिए हैं उस पर दोनों कानून बना सकते हैं। तो पब्लिक ऑर्डर स्टेट सब्जेक्ट है, यूनियन का सब्जेक्ट है ही नहीं है, इसलिए पब्लिक ऑर्डर की आड़ में केंद्र कानून नहीं बना सकता। दूसरा, पिलग्रिमेज, संविधान में यह लिखा है जो धार्मिक स्थान विदेशों में है, हमारे धार्मिक स्थान है लेकिन वो अभी भारत की बाउंड्री के बाहर है, उनके ऊपर केंद्र कानून बनाएगा, लेकिन जो धार्मिक स्थान भारत के अंदर है उसके ऊपर राज्य कानून बनाएगा। उदाहरण के लिए ननकाना साहब पाकिस्तान में है, कैलाश मानसरोवर चीन में है, उसके लिए अगर कोई नियम कानून बनाना है वो तो केंद्र बनाएगा, लेकिन काशी मथुरा भद्रकाली ज्ञानवापी अटाला ये जितने भी हैं, जामा भोजशाला, ये सारे भारत के अंदर है, इसलिए इसके ऊपर उस राज्य की सरकार कानून बनाएगी। ये पहला अंतर है। तो ये जो 1991 का कानून है इसको केंद्र सरकार बना ही नहीं सकती। तीसरी बात,
हमारे संविधान में और हमारे बहुत सारे जजमेंट हैं जो भगवान है इनको ज्यूरिस्टिक पर्सन कहा गया। ज्यूरिस्टिक पर्सन का मतलब इनको भी एक, जैसे हमें और आपको अधिकार होता है प्रॉपर्टी का, ऐसे इनको भी अधिकार होता है प्रॉपर्टी का, देवी देवताओं को भी। जैसे अयोध्या में थे तो जो मुकदमा था वो रामलला विराजमान था, ऐसे जो कृष्ण में जो यहाँ पे मथुरा का मैटर है वो कृष्ण लला विराजमान है, अयोध्या का जो काशी का मैटर है वो भगवान शिव विराजमान है, इस तरीके से इनको भी। तो भगवान विष्णु और भगवान शंकर के बीच में भेदभाव करना आर्टिकल 14-15 का वायलेशन है, क्योंकि विष्णु और शंकर, भगवान विष्णु और विष्णु भगवान महादेव, ये दोनों बराबर हैं, इनमें आप भेदभाव नहीं कर सकते। तो ये कानून भेदभाव करता है। राम और कृष्ण दोनों बराबर हैं, दोनों भगवान विष्णु के अवतार हैं, इसलिए उनमें भी ये भेदभाव नहीं कर सकता, लेकिन ये कानून करता है। ये कानून क्या कहता है, अयोध्या का मामला तो कोर्ट के जरिए हल होगा लेकिन मथुरा का मामला नहीं होगा, तो भेदभाव हो गया राम और कृष्ण में। काशी का मामला कोर्ट में चलेगा ही नहीं, ये भेदभाव हो गया विष्णु और शंकर में, तो इसलिए ये अपने आप में वायलेशन है। फिर सबसे इंपॉर्टेंट ये है, आर्टिकल 25 में हम सबको अपना धार्मिक अधिकार है, अपने धार्मिक रीति रिवाज के अनुसार अपने धर्म का पालन करना, ये हमारा फंडामेंटल राइट है। तो ये आर्टिकल, ये कानून हमारे आर्टिकल 25 में जो राइट टू रिलीजन है उसको वायलेट कर रहा है। हमें ज्ञानवापी में प्रतिदिन पूजा अर्चना करने, प्रतिदिन जलाभिषेक करने, वहां जाके महामृत्युंजय का जप करने, वहां ओम नमः शिवाय करने, वहां पे अपना घंटा घड़ियाल बजाने, वहां माला फूल चढ़ाने से हमें रोक रहा है, इसलिए 1991 का जो कानून है ये उसका वायलेशन करता है आर्टिकल 25 का। आर्टिकल 26 ये कहता है कि हमें हिंदू जैन बौद्ध सिख को भी अपने अपने धार्मिक स्थल का रखरखाव करने, उसका मेंटेनेंस करने, उसका मैनेजमेंट करने, कुछ कमियां आ गई हैं उसको रिपेयर करने का अधिकार है। ये कानून हमें ज्ञानवापी का रखरखाव करने, ज्ञानवापी की देखभाल करने, ज्ञानवापी का मेंटेनेंस करने, ज्ञानवापी का पूरा उसका प्रोटेक्शन करने, उससे हमें दूर करता है, इसलिए आर्टिकल 25 का वायलेशन, 26 का वायलेशन है। ये 1991 का एक्ट जो है, आर्टिकल 29 में जो कहा कि हमें अपने कल्चर को प्रोटेक्ट करने का अधिकार है, उसको भी वायलेट कर रहा है। ज्ञानवापी का मंदिर, मथुरा का मंदिर, काशी का मंदिर, ये कोई सामान्य मंदिर नहीं है, ये कोई गली मोहल्ले वाला मंदिर नहीं है। काशी का मंदिर तो 12 ज्योतिर्लिंग में आता है, मथुरा हमारी भगवान कृष्ण की जन्मभूमि है, ये उतना ही पवित्र है जितना मक्का और मदीना, उससे भी ज्यादा, और ज्यादा नहीं तो कम नहीं, बराबर कम से कम। जैसे जितना पवित्र स्थान मोहम्मद साहब का जन्म स्थान है, उतना ही पवित्र स्थान हमारे लिए कृष्ण का जन्म स्थान है। जितना पवित्र स्थान जहां मोहम्मद साहब मस्जिद में बैठ के नमाज पढ़ते थे वो है, उतना हमारे लिए पवित्र स्थान काशी है, ज्ञानवापी है। इसलिए ये कानून उसका भेदभाव कर रहा है। और एक बात और, ये कानून अगर आप ध्यान से देखें तो ये कह रहा है कि 1947 की रिलीजियस जो सैंक्टिटी होगी वो बरकरार रहेगी। तो 1947 में ज्ञानवापी क्या था, मस्जिद था कि मंदिर? बड़ी स्वाभाविक सी बात है, मस्जिद तो नहीं था। क्यों? क्योंकि वो तो मंदिर तोड़ के बनाया गया। और जैसा मैंने पहले ही आपको कहा कि आप सड़क पे, जिस तरीके से सड़क पे नमाज पढ़ने से सड़क मस्जिद नहीं हो जाती, रेलवे प्लेटफॉर्म पे नमाज पढ़ने से वो प्लेटफॉर्म मस्जिद नहीं बन जाता, एयरपोर्ट पे नमाज पढ़ने से वो एयरपोर्ट मस्जिद नहीं बन जाता, वैसे मंदिर में नमाज पढ़ने से मंदिर मस्जिद नहीं बन जाता। मैं तो ये कह रहा हूं कि वहां जो नमाज पढ़ी जा रही है मस्जिद में नहीं पढ़ी जा रही, मंदिर में पढ़ी जा रही है। और आप मंदिर में नमाज पढ़िए, मंदिर में कुछ भी करिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, मंदिर की सैंक्टिटी वही की वही रहती है। मंदिर की सैंक्टिटी तब बदलती है जब वहां पे मूर्ति का विसर्जन हो जाता है। इसलिए नमाज पढ़ने के बाद, वहां का गुंबद तोड़ देने के बाद, वहां की दीवारों पे वहां का पेंट हटा देने के बाद, मंदिर की जो सैंक्टिटी है, मंदिर की जो पवित्रता है वो कम नहीं हुई है। और सबसे जो महत्वपूर्ण बात यह है, सरकार का काम इलीगल एक्ट को इलीगल घोषित करना है, लीगल एक्ट को लीगल करना है। सरकार का काम अवैध काम को वैध करना नहीं है। ये कानून बना के केंद्र की सरकार ने, जो कि हालांकि ये कानून बनाने का उनके पास अधिकार भी नहीं था, लेकिन ये कानून बना के उन्होंने मुगलों के, बाबर, हुमायूं, शाहजहां, अकबर, औरंगजेब, उनके जो इलीगल काम थे उसको लीगलाइज किया है।
यह सरकार की ड्यूटी नहीं है, यह संविधान विरोधी काम है। और अवैध निर्माण, सबसे बड़ी बात ये जो कानून बनाया गया जिसमें 1947 की कट ऑफ डेट दी गई, कायदे से इसकी कट ऑफ डेट 1192 होनी चाहिए जब पहली बार आक्रांताओं ने हमारा मंदिर तोड़ा। 1947 कट ऑफ देने का कोई मतलब नहीं होता, कट ऑफ डेट तो नहीं वही होना चाहिए 1192 जब पहली बार हिंदुओं का मंदिर तोड़ा गया था। इसलिए ये कानून हिंदू जैन बौद्ध सिख के धार्मिक अधिकारों का उल्लंघन करता है, समता समानता का उल्लंघन करता है, आर्टिकल 14, 15, 25, 26 का उल्लंघन करता है। और पहली बात कोर्ट के दरवाजे बंद करता है, जुडिशियल रिव्यू को समाप्त करता है जो बेसिक स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन का। इसलिए कानून खत्म होगा, 100% खत्म होगा जब भी सुप्रीम कोर्ट में बहस होगी, ये खत्म होगा। और जब ये कानून खत्म हो जाएगा तो पूरे देश में जो 900 मंदिर है, 900 मंदिर पे जो अवैध कब्जा है वो कब्जा हटाने का रास्ता खुलेगा। आशा करता हूं कि आपको मेरी बात समझ में आई होगी। ये बहुत ही महत्वपूर्ण कानून है। आपको याद होगा 2 साल तक पहले तक सारे रास्ते बंद थे, काशी का मामला ठप पड़ा हुआ था, मथुरा का मामला ठप पड़ा हुआ था। अभी वो आगे इसलिए बढ़ गया जब हमने इस कानून को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। अब ये सुप्रीम कोर्ट में जब कानून चैलेंज हो गया है, जिस कानून की आड़ में लोग रोक के बैठे हुए, तो खुद ही जब चैलेंज हो गया है तो अब निचली अदालत के पास ये रास्ता है कि वो कम से कम जो बाकी की जो प्रोसीडिंग उसको शुरू कर दे, मतलब वहां पे वीडियोग्राफी करा ले और सबूत इकट्ठा करवा ले, गवाहों के बयान शुरू करे, पैनल में ये काम करता रहे, तब तक सुप्रीम कोर्ट से इस कानून का फैसला भी हो जाएगा। और एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह, कल जिस तरीके से वहां पे शिवलिंग मिला है तो बाकी जगहों की वीडियोग्राफी करा के वहां पे उसको सरकार को अपने कब्जे में लेने की जरूरत है, चाहे वो जौनपुर की अटाला हो या अहमदाबाद की भद्रकाली या भोजशाला। अब ये लोग सबूत नष्ट करेंगे, अब ये लोग सबूतों से छेड़छाड़ करेंगे, क्योंकि कल मिल गया, शिवलिंग मिल गया है, तो बाकी जगहों पे जो इनका कब्जा है वहां पे ये अंदर की दीवार तोड़ेंगे, वहां पे जो जो हिंदुओं का प्रतीक चिन्ह उसको बर्बाद करेंगे, वहां जो मूर्तियां हैं उसको बाहर फेंकेंगे। इसलिए मैं सरकार से तुरंत निवेदन करता हूं, तत्काल बिना किसी देरी किए देश भर में जितने भी विवादित स्थान हैं जो मंदिरों को तोड़ के बनाए गए, तत्काल सरकार उसको अपने कंट्रोल में ले ले, वहां की वीडियोग्राफी करा ले, वहां पे जो एविडेंस है उसको अभी से प्रोटेक्ट कर ले, नहीं तो ये लोग अब एविडेंस को बर्बाद करेंगे, क्योंकि ज्ञानवापी के बाद ये बिल्कुल अलर्ट हो चुके हैं, अब ये किसी भी हद तक जाएंगे। ज्ञानवापी में तो इन्होंने गंदे पानी के नीचे छुपा रखा था भगवान महादेव को, लेकिन बाकी जगह भगवान जाने क्या क्या करेंगे, कोई भरोसा नहीं कि ये मूर्तियों को उठा के टॉयलेट में डाल दें, लैट्रिन में डाल दें, कुछ भी कर सकते हैं। वहां पे जो अंदर जो निशान होंगे उसको तोड़ देंगे, वहां पे नया प्लास्टर करवा देंगे, कुछ भी करेंगे। इसलिए बहुत जरूरत यह है कि पूरे देश भर में जहां भी डिस्प्यूटेड साइट्स हैं उनको तत्काल सरकार अपने कंट्रोल में ले, वहां वहां जो राज्य सरकारें अपने कंट्रोल में ले ले, और लेने के बाद वहां की वीडियोग्राफी करा के जो वहां पे एविडेंस है, जो सबूत है, उनको प्रोटेक्ट कर ले, नहीं तो बाद में कोई सबूत मिलेगा नहीं। आपने ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, इस वीडियो को कम से कम 10 लोगों को जरूर फॉरवर्ड करिएगा, सारे व्हाट्सएप ग्रुप में डालिएगा, अपने फेसबुक पे डालिएगा, अपने सांसदों और विधायकों को टैग करके जरूर ट्वीट करिएगा। जय हिंद, जय भारत।